हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुदा ने कहा कि थानेसर के गांव बारवा, झिंझरपुर, दयालपुर और मिर्जापुर में 4,06,09,000 रुपए की राशि से विकास कार्य किए जाएंगे। इस राशि से गांव की फिरनी, चौपालें, सामुदायिक केंद्र, सड़कों का निर्माण, शेड का निर्माण, मुरम्मत कार्य व आंगनबाड़ी केंद्रों का विकास किया जाएगा। अहम पहलू ये है कि थानेसर के 4 गांव में प्रदेश सरकार की तरफ से पिछले 10 सालों में 48 करोड़ रुपए की राशि से विकास कार्य किए जा चुके हैं। राज्य मंत्री सुभाष सुदा गांव बारना, झिंझरपुर, दयालपुर व मिर्जापुर में आयोजित कार्यक्रमों में बोल रहे थे। राज्य मंत्री ने गांव मिर्जापुर में 2,72,53,000 रुपए की राशि के विकास कार्यों, जिनमें वाल्मीकि चौपाल सामुदायिक केंद्र, बीसी चौपाल, सामान्य चौपाल, हरिजन सामुदायिक केंद्र, हुड्डा चौपाल में फिरने का कार्य शामिल है। इसी तरह गांव बारना में 41 लाख रुपए की लागत से मेन सड़क से लेकर जय सिंह के घर तक गली निर्माण कार्य, मेन सड़क से लेकर अमरजीत के घर तक गली, सामुदायिक केंद्र में रसोई घर का शेड, राजकीय विद्यालय में शेड का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गांव झिंझरपुर में 17,70,000 रुपए की राशि से एससी बस्ती में गली निर्माण कार्य व आंगनवाड़ी की रिपेयर का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा एससी चौपाल की मरम्मत व बीसी चौपाल का निर्माण कार्य किया जाएगा। राज्य मंत्री ने गांव दयालपुर के लोगों को 75,40,000 रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इस राशि से ग्राम ज्ञान केंद्र, अम्बेडकर भवन की 4 दीवारी में पार्किंग स्थल बनाने के बाद उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा कश्यप चौपाल, वाल्मीकि चौपाल, अम्बेडकर भवन, ब्राह्मण चौपाल व पंचाल चौपाल का निर्माण किया जाएगा। इन गांवों में विकास कार्यों की गंगा आगे भी बहती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2014 से लेकर 2024 तक गांव दयालपुर में 6,25,00,000 का बजट खर्च किया है। गांव झिंझरपुर में 11,83,00,000 खर्च किए गए हैं। गांव मिर्जापुर में 17,24,00,000 खर्च किए गए हैं। इसके अलावा गांव बारवा में 12,46,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। राज्य मंत्री सुभाष सुदा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म किया और युवाओं को बिना पर्चे बिना खर्चे के सरकारी नौकरियां दी हैं। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पिछले 3 माह में किसानों, मजदूरों व युवाओं को इतनी सौगात दी है जो किसी भी सरकार ने पिछले 30 सालों में नहीं दी होगी। उन्होंने किसानों को सभी फसलों पर एमएसपी देकर देश का पहला राज्य बनाने का काम किया। इसके साथ ही बारिश कम होने पर खरीफ व बागवानी की फसलों पर 2,000 रुपए प्रति एकड़ का बोनस देने के साथ साथ 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति तक सुरक्षित रखने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस सरकार ने थानेसर हल्के के विकास पर पिछले 10 सालों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया है। इस मौके पर सरपंच सुशील कुमार, धर्मवीर, परमवीर, समाजसेवी रामेश शास्त्री, ओम प्रकाश, राजकुमार, नरेश, जगदीश, पृथ्वी सिंह, राजेश शर्मा, आदर सिंह आदि उपस्थित रहे। मुझे गांव के हमको दौरा करने का आज मैंने समय दिया था। सर्वप्रथम मैं आज पहले अपना गांव मिर्जापुर में आया, इसके साथ दयालपुर, बारवा, झंझापुर, 4 गांव में जा रहा हूँ। लगभग यहाँ चारों गांव के अंदर हमने 48 करोड़ रुपया गांव के विकास के लिए है। इसके अलावा और भी हमने एस्टिमेट भेजे हुए हैं, तो बहुत बड़ा विकास है। आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हमने लगातार इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं दावे से कहूँगा कि जो लोग हमारे से साथ मांगते हैं, आप मिर्जापुर के अंदर देखिए किस प्रकार से 20 करोड़ से ऊपर का कार्य यहाँ पर हुआ है। ये है गवर्नमेंट, इसको कहते हैं विकास। हम सबका साथ, सबका विकास लेकर कार्य कर रहे हैं। ये 4 गाँव के अंदर हमने 48 करोड़ का विकास और 72 लाख रुपए का आज ये जो आपके सारी हमारी जितनी भी चौपाले हैं सारे कार्यों के लिए 2,72,00,000 रुपए का कार्य आज चुका है। अभी और भी 2,72 का तो ये हमारे सभी समाज की चौपाले, कम्युनिटी सेंटर, इसके साथ साथ 1,45,00,000 के एस्टीमेट आपके और भेजे हुए हैं, वो भी पास होकर आने वाले हैं। इतना पैसा आपके है तो ये है। आपने जीवन में नहीं सोचा होगा, अगर किसी मुख्यमंत्री के पास जाते थे ना, छोरा लगवा देता था, नो सारी उम्र उसकी कहना था भी भर भर के ट्राली लिया, सारी उम्र लगा देता। अब देखो बच्चा लगता है, कोई कहता है कि ट्राली लिया, इतनी डेवलपमेंट के लिए उसके मैक्रो चक्कर काटने पड़ जाते थे। अगर उससे कोई लेना पड़ जाता था 10-20 लाख करोड़ की तो बात ही नहीं थी, यहाँ तो 20 करोड़ रुपये हमने लगा दिया, कोई छोटी बात नहीं किसी प्रकार की। ये पैसा भी आपका, ये कलम भी आपकी। लेकिन एक बात मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताओ कि मेरे विधानसभा के अंदर